ये दास्तान है रमाकांत तिवारी की। रमाकांत गोरखपुर के रहने वाले हैं और 1990 में अपने घर से कमाने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। भटकते हुए रमाकांत जोधपुर पहुंच गए, जहां टाउन हॉल के पास एक दिन किसी ने उनके सर फोड़ दिया। सर से खून टपक रहा था तो उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रमाकांत को अपना घर आश्रम ले आई। अपना घर आश्रम में उनका इलाज करवाया गया तो उन्होंने अपना नाम पता बताया। परिवार से संपर्क किया गया और परिवार उन्हें लेने के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कि रमाकांत 1990 में जब घर से निकले तो उनकी पत्नी ने भी उन्हें कुछ साल इंतज़ार किया और आखिरकार वो भी छोड़कर चली गई। परिवार के लोगों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। आखिरकार एक दिन अपना घर आश्रम से फ़ोन आया तो उन्हें रमाकांत फिर मिल चुके हैं। अब उनके भतीजे अविनाश तिवारी उन्हें लेने के लिए पहुंचे हैं। मैम, बाबा जी का क्या नाम है और किस तरह आप जो है इनके परिवार तक पहुंचे? जी नमस्कार। बाबा जी का नाम राम सिंह है, रमाकांत सिंह तिवारी, और इनको टाउन हॉल के पास से लाया गया था श्री मनोज सिंह जी की सूचना के आधार पर। ला के यहाँ पर इनका इलाज करवाया गया MDM हॉस्पिटल से, और फिर इन्होंने इनके घर के बारे में पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने घर का पता बताया, तो उनके थाने में सूचना भिजवाई गई। थाने के आधार पर इनके परिवारजनों को सूचना भिजवाई गई, परिवार के सूचना के आधार पर इनके भतीजे इनको लेने के लिए आए हैं 15 साल बाद। जो है बाबा जी कितने साल पहले निकले थे और क्या स्थिति थी उनकी उस समय, और अब आप कैसे इन तक पहुँचे? लगभग सन 1990 के करीब में ये घर से निकले थे पहली बार, उसके बाद से ये दोबारा गए थे, लेकिन दो ही चार दिन रहे फिर वहाँ से चले आए, और उसके से अब इनसे मुलाकात हुई है। जो यहाँ के दीवान जी हैं उन्होंने फ़ोन, देवीलाल जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपके गांव के हैं, तो हमारे थाने पे इन्होंने सूचना दी तो पता चला कि ये हमारे अंकल जी हैं, तो इनसे बताने के बाद इनसे आज मुलाकात हो रही है। आपको कितनी खुशी है कि इतने साल बाद में? बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे पूरे परिवार इनको खोजने के लिए दिल्ली भी गए थे, उसके बाद से राजस्थान में भी आए थे, करनाल के साइड में UP के जो बॉर्डर लगे हुए हैं उधर, लेकिन मिले नहीं तो फिर हम लोग चले गए।